हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 6 सिलाइयों का डिजाइन है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 फंदे, 12 दूनी 24 और उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से, इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है तो ध्यान दीजिए, पहला फंदा इसका एस्टिच है, उतारिए या बनाइए। तो देखिए, एक और ये दो फंदे यहाँ हम उल्टे बना देंगे। अब यहाँ से हमारा 12 फंदे का डिजाइन शुरू होगा। तो पहले हम 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, दो पहले बन चुके हैं, 9 और बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और ये 9। अब यहाँ पर इन तीन फंदे से हम 7 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को सीधा बुन देंगे तो एक जाली आ गई। बीच वाले एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए, एक बार इस फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को दोबारा से सीधा बनाएंगे तो 1 से 3 हो गए हैं। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे से 7 फंदे बनाए हैं। इन दो फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में आपके 11 फंदे बचेंगे, उनको आप उल्टा बनाइए। तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड। इस डिजाइन की उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। और फ्रेंड्स, इस डिजाइन में फंदे बढ़ेंगे, घटेंगे, फिर बढ़ेंगे और 12वीं सिलाई पर आपके जितने फंदे आपने डाले होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आप इसमें बीच में फंदे ना गिने। जब 12 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट होंगी तब आपके फंदे पूरे हो जाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, उल्टी साइड है, इसे मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई पर देखिए, 11 फंदे ये स्टार्टिंग के हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये स्टार्टिंग के 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ रहे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जब धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे सीधे बनाए तो जाली से एक फंदा यहाँ बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। आपके जितने भी फंदे होंगे, ये वाले दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट के 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी सिलाई उल्टी साइड से। धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा इसका एस्टिच है, उतारिए या बनाइए। 1 और ये 2 फंदे यहाँ हम उल्टे बनाएंगे। अब ये जो 9 फंदे उल्टे हैं, इन 9 के हम 3 फंदे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को पहले सीधा बुन देंगे। अब इस वाले एक फंदे के ऊपर से हम 6 फंदे पलट देंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये
छः। अब ये देखिए, एक फंदे के ऊपर से हमने छः फंदे पलट दिए हैं। इस फंदे को अब हम सीधा बुन देंगे। अब ये एक फंदा उल्टा बचा, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर नौ फंदे से तीन फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ तीन फंदे थे उसके नौ फंदे बन चुके हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। फिर धागा पीछे करेंगे और नौ फंदे से तीन फंदे बनाएंगे। एक फंदा पहले सीधा बनाएंगे, एक फंदे के ऊपर से छः फंदे पलट देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। अब इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। एक फंदा ये सीधा और लास्ट के दो फंदे उल्टे। पांच सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। छह सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। सातवीं सिलाई है और सीधी साइड। सातवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एसटीच है एक, और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो तीन फंदे हैं अब हम इनके सात फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। बीच वाले एक फंदे के तीन फंदे, एक, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी को दोबारा से सीधा बनाने से तीन फंदे बन गए। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, लपेट कर जाली डाल देंगे और नौ फंदे अब उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। फिर से तीन फंदे के सात फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ है, एक फंदे को सीधा बनाया, बीच वाले के एक से तीन, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके फिर से इसे सीधा बुन देंगे तो एक से तीन हो गए। एक फंदा सीधा, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। सात सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। आठवीं सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। आठ सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है। नौवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले दो फंदे उल्टे एक और ये दो, धागा अपनी तरफ रहे और सात फंदे अब सीधे बनाएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। जब धागा अपनी तरफ करके सात फंदे सीधे बनाए तो जाली से एक फंदा यहाँ बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और नौ फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और सात फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। नौ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। दसवीं सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। दस सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। ग्यारहवीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो ग्यारहवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले दो फंदे आप उल्टे बनाइए, एक और ये दो। अब ये वाले जो सात नौ फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, जो हमने तीन फंदे से बनाए हैं, इनको भी उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो सीधे वाले थे ये नौ हो गए और दो ये, टोटल हमने 11 फंदे यहाँ उल्टे किए हैं। बीच में अब जो ये नौ फंदे हैं इसके हम तीन करेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा पहले सीधा बनाएंगे, अब इस एक फंदे के ऊपर से छः फंदे पलट देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये एक फंदा सीधा, तो ये देखिए नौ फंदे से यहाँ तीन हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये जो हमने तीन से हमने नौ फंदे बनाए हुए हैं सीधे सीधे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, एक,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। अब ये दो फंदे जो लास्ट में उल्टे हैं इनको भी उल्टा ही बुन देंगे। अब इस सिलाई पर ये पूरे हमारे पास 25 फंदे हैं, 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 12वीं सिलाई है उल्टी साइड है। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और ये चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस और ये देखिए 25। पूरे 25 फंदे हैं जो कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में डाले हुए थे। तो इसमें पहले बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, फिर बढ़ेंगे और फिर घटेंगे और 12वीं सिलाई पर आपके फंदे पूरे हो जाएंगे। तो इन्हीं 12-12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है तो आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। चलिए आपको एक बार फिर से इसकी स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिएगा, इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है। पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए, एक, और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो नौ फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और ये नौ। अब बीच में जो तीन फंदे हैं इनके हम सात फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक फंदा बढ़ गया, बीच वाले एक से तीन करेंगे। एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को फिर से सीधा बुन देंगे तो एक से तीन हो गई। एक फंदा ये सीधा लपेट कर एक जाली डाल देंगे। इन दो फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है। लास्ट के आपके पास 11 फंदे होंगे, इनको उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस और ये ग्यारह। ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है, उल्टी सिलाइयाँ इसमें सारी उल्टी आएंगी। तो फ्रेंड्स, जब आप बार बार इन्हीं 12-12 सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस डिजाइन को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।